Hello, my dear children. Welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are learning English Grammar, Class 7th. This is your book, children, Grammar Glitter Odyssey. And today we are going to start with chapter number 13. And the name of the chapter is Active and Passive Voice. There are two special forms of verbs called voice. दो अलग अलग forms होते हैं verb के जिन्हें हम voice कहते हैं. First is active voice and second one is passive voice. Active voice क्या होता है? In active voice, the subject of the sentence performs action expressed in the verb. जो subject होता है sentence का वो क्या करता है? Action को perform करता है जो भी express किया जा रहा है. In the passive voice, the subject is acted upon. जो subject है उस पर ही act किया जाता है. The subject does not perform the action expressed in the verb. जो subject है वो काम को नहीं कर रहा है जो भी sentence में बताया जा रहा है. For example, the lion killed the deer. So ये क्या है? ये active voice में है. यहाँ पे लायन जो है काम कर रहा है किल करने का. किसको किल कर रहा है? डियर को किल कर रहा है. तो यहाँ पे लायन हमारा सब्जेक्ट है, डियर हमारा ऑब्जेक्ट है और किल हमारा वर्ब है. सेकेंड सेंटेंस इज द डियर वॉज किल्ड बाय द लायन. ये जो सेंटेंस है ये सेम सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है और यहाँ पर लिखा है. तो यहाँ पर हमने क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट था वो हमने सब्जेक्ट की प्लेस पर रख दिया है और सेंटेंस बन गया द डियर वॉज किल्ड बाय द लायन. डियर को किल करने का काम लायन से हुआ है. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज इंट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट. तो चिल्ड्रन इस बात पे हमें ध्यान देना है कि जो भी ट्रांजिटिव वर्ब हैं सिर्फ उन्हें ही हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उसमें तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है. The passive verb always has a form of the be verb. जो passive verb है इसमें हमेशा be form use होता है. In passive voice, we always use the past participle of the verb. Passive voice में हम हमेशा past participle use करते हैं verb का. Now changing from active voice to passive voice. कैसे हम active voice को passive voice में change कर सकते हैं? Only the following type of sentences are changed from active to passive voice. ये कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं जिन्हें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. द फर्स्ट इज असर्टिव, देन इंटरोगेटिव एंड देन इम्पेरेटिव. सो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज चेंजिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स. तो जो अरेंजमेंट है वर्ड्स को का उसको कैसे चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया गया, गॉड लव्स ऑल. गॉड सबको प्यार करते हैं. तो गॉड क्या हो गया? सब्जेक्ट. लव्स बन गया वर्ब एंड ऑल बन गया ऑब्जेक्ट. अब इसी सेंटेंस को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया इसका अरेंजमेंट और लिख दिया ऑल आर लव्ड बाय गॉड. सबको भगवान प्यार करते हैं. अब यहाँ पे ऑल का बन गया सब्जेक्ट बन गया, आर लव्ड वर्ब है एंड गॉड ऑब्जेक्ट है. द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स अ ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो जाके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है. द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स अ सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. और सेम होता है जब ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाता है. द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज. लेकिन जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. व्हेन वी यूज बाय वी चेंज द सब्जेक्ट एज गिवन. जब हम बाय को यूज करते हैं हम सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. आई क्या बन जाता है? मी. We बन जाता है us, they, them, he, him, she, her. श्रेया, you, राधा, teacher, it. ये सारे क्या बन जाते हैं? The same subject, no changes in these subjects. ये जो same हो जाते हैं और इनमें कोई भी changes नहीं होते हैं. Now let's learn about modals. Can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to. ये सारे क्या हैं? मोडल्स प्लस बी फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे सेंटेंस एक दिया हुआ है, रवीना कैन स्पीक इंग्लिश. रवीना इंग्लिश बोल सकती है. सो अब इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा रवीना,
कैन स्पीक हो गया वर्ब और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट. अब जब हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा सेंटेंस, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय रवीना. इफ द प्रिसाइज सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन वी यूज अ पैसिव वॉइस. अगर हमें जो है सब्जेक्ट ना पता हो एक्शन का तो हम क्या करते हैं, हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टी इज प्रिपेयर्ड. When the receiver of the action is more important, जब जो receiver है वो ज़्यादा importance का होता है, we use a passive voice. हम passive voice को use करते हैं. For example, the army was attacked at the border. When an action sentence has two objects, जो action sentence है उसमें two objects होते हैं. For example, when we talk about active voice, the children gave flowers to the teacher. ये active voice में है. अब इसको जो है हमने जब पैसिव में कन्वर्ट किया तो सेंटेंस बिकम्स फ्लावर्स वर गिवन बाय द चिल्ड्रन टू द टीचर. दूसरा सेंटेंस क्या बन सकता है, द टीचर वाज गिवन फ्लावर बाय द चिल्ड्रन. सो हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को टू तरीके से टू फॉर्म्स में लिख सकते हैं हम. नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस बीइंग बिगिन विद अ वर्ब. ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं. These words may be there before a verb. Always, never, please, do not. तो ये सारे words आपको मिलेंगे verb से पहले. We have two methods to make passive. Passive बनाने के दो methods हैं. First is go there. ये एक sentence है जो active voice में है. अब इसे हमने passive में convert किया तो कैसे करते हैं, You are requested to go there. Do not insult the weak. You are advised not to insult the weak. तो आप देख सकते हो कि दोनों में ही जो सब्जेक्ट नहीं था तो हमने यू से हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया है. नेक्स्ट इज मेथड नंबर टू, ओपन द बुक एंड स्टैंड अप. तो ओपन द बुक को हमने पैसिव में कन्वर्ट किया तो क्या बना, लेट द बुक बी ओपन्ड. एंड स्टैंड अप को कैसे लिखें, यू आर एडवाइज्ड टू स्टैंड अप. Let cannot be used there. Let को जो है नहीं use किया जा सकता यहाँ पे. We generally use requested, advised. Avoid the use of ordered. तो हम क्या कहते हैं, requested या फिर advised word को use करते हैं ordered की जगह पे. This method cannot be used everywhere. ये जो method है हर जगह use नहीं किया जा सकता है. We use this method only when we have object. तो इस method को तभी use करना है children जब हमारे पास कोई ना कोई object हो. Now observe the structure to create passive voice from active voice. Passive voice बनाना है हमें active voice से. So in the case of assertive sentences, जब assertive sentences की बात करते हैं, point A says सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एंड द सेंटेंस इज क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय राम, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में. नेक्स्ट पॉइंट से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ओ ऑब्जेक्ट. एंड द सेंटेंस इज क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय राम. सो अब जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. थर्ड पॉइंट से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एंड द सेंटेंस बिकम्स क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय राम, इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, सो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. द सेंटेंस इज व्हाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय राम, दिस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. नेक्स्ट पॉइंट से इज क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. And the sentence is, why is cricket not being played by Ram? This is present continuous tense. Next is question word plus helping verb plus subject plus not plus been
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एंड द सेंटेंस इज व्हाई हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय राम क्वेश्चन मार्क. एंड दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हु, अब हु का यूज यहाँ पे आपको पता चलेगा, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो क्या बना सेंटेंस, बाय हुम इज क्रिकेट प्लेड एंड इट इज इन प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस. सेकेंड पॉइंट सेज बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. एंड द सेंटेंस इज बाय हुम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. थर्ड वन इज बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. And the sentence becomes, by whom has cricket been played? And this is in present perfect tense. So children, you have to read or learn these rules that are written here. Now let's move on to imperative sentence. Ab imperative sentence mein hum kya karte hain? Let plus object प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो वॉट विल बी द सेंटेंस, लेट द डोर नॉट बी शट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू शट द डोर. तो दोनों ही हम लिख सकते हैं. नाउ चेंजिंग द इन हेल्पिंग वर्ड्स, कैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज कर सकते हैं. Here you can see the tense are written, then the identification and then passive forms is written. Present indefinite tense में हम verb की first form लिखते हैं, then s या फिर es लगा देते हैं, do या फिर does लगा देते हैं, and in the passive form हम क्या करते हैं, is am are लगा के और verb की third form लगाते हैं. जब हम continuous tense की बात करते हैं तो is am are plus verb की first form plus ing, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो वी गेट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पैसिव में हो जाएगा हैज प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न पास्ट इंडेफिनाइट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड इज यूज प्लस V1 is used here and in the passive voice was, were plus verb ki third form. Now let's learn the fifth one in the past continuous tense kya hota hai, was, were plus verb ki first form plus ing and when we talk about passive we write was, were plus being plus verb ki third form. Past perfect mein had plus verb ki third form. And in the passive it is had plus been plus verb ki third form. In the seventh, the future indefinite tense will plus verb ki first form and passive mein hai will plus be plus verb ki third form. Eighth one, future perfect will plus have plus verb ki third form and jab hum passive mein baat karte hain so will plus have plus been plus verb ki third form, these are used. So these are some of the helping verbs rules, like this you can change. Passive construction is not possible in future continuous or any other perfect continuous tense. Jo passive hai usko hum construct nahi kar sakte, na hi hum future continuous mein aur na hi kisi aur perfect continuous tense mein. As it happens to be already present in their respective and active voice sentence, kyunki already jo hai apne एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्टेड रहते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ए एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 13. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. ही राइट्स लेटर, ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. वी राइट लेटर्स, सो अभी हमें इन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. सो द सेंटेंस विल बी द लेटर्स
are written by us. Second one is Mr. Joshi writes the report. So the answer number two is the report is written by Mr. Joshi. So children, the second one is the report is written by Mr. Joshi. Now the third question is children have broken the window pane. A window pane will take the place of children. So the window pane has been broken by the children. Fourth question is I confirm the reservation, and the answer becomes in passive voice the reservation is confirmed by me. So like this children, you have to change all these sentences into passive voice. Now children, let's move to B exercise. Change the following imperative sentences into passive voice. यहाँ पे कुछ imperative sentence दिए गए हैं, हमें passive voice में convert करना है. The first question is, don't hate the old people. तो इसे हम जब passive voice में convert कर जब हम passive voice में convert कर रहे हैं, the sentence becomes, let the old people not be hated. Second one is, leave the room at once. And the answer, when it is changed in passive voice becomes, let the room be left at once. Third one is please help me, and the sentence becomes let me be helped by let me be helped please. So like this children, do the remaining questions up till 10 number. Now children, let's move on to question number C. Here you have to underline the verbs in the following sentences and say whether the voice is active or passive. हमें underline करना है verbs को और बताना है कि वो active है या फिर passive. The first question is Mrs. Kaushik fed the two girls on good food. So यहाँ पे fed is the verb and fed is in active voice. Next, the girls were educated by Mr. Grover. So, were educated is the verb. We have to underline it and it is in passive voice. Similarly, the third one, human beings were not trusted by Kamini. So, yahan pe were not trusted is the verb and it is in passive voice. So, like this children, complete the rest of the questions. Now children, let's move on to D question. Here you have to change the verb in these sentences into active voice and make the changes as required. तो यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, इनमें कुछ verbs हैं, उन्हें हमें active voice में change करना है. So here the first one is the tree was knocked down by a speeding vehicle. एक speeding vehicle आ रही थी जिसने पेड़ को टक्कर मार दी. So tree जो है नीचे गिर गया था. So tree is the subject here. अब हमें क्या करना है, इसे active voice में convert करना है. So the answer will be a speeding vehicle knocked down the tree. What will be the answer? A speeding vehicle knocked down the tree. Similarly, second one is the streets were crowded by anxious supporters of the national dream. So yahan pe kaha ja raha hai ki jo street tha wo bahut zyada crowded tha, bahut sare anxious supporters the national team ke. So what will be the sentence? Sentence will start from here. Anxious supporters of the national team crowded the streets. जो भी anxious supporters थे उन्होंने street को crowd कर दिया. So the answer will be anxious supporters of the national team crowded the streets. Now the third one is a huge bag was carried by the porter. So when we change this into active voice, the sentence will be the porter carried a huge bag. What will be the sentence? The porter carried a huge bag. So similarly children, you have to change these sentences into active voice. Now let's move on to E part. Rewrite this passage in passive voice. Ab is passage ko hame passive voice mein likhna hai. So here the first sentence is Hamza opened the door, switched on the lights and turned on the television. So
we will write the sentence as, so the first sentence is, Hamza, let the door be open, comma, the lights be switched on, comma, and the television be turned on. So like this, you have to change the sentences from he to there in the passive voice. Now children, let's learn what is notice writing. A notice is a brief written communication. Notice jo hai ek brief written communication, it is written to make an announcement or to display information of a specific group. Ye announcement ko एक रिटन फॉर्म में प्रोड्यूस करता है और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को. अ नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स. नोटिस को हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि बॉक्स के अंदर ही लिखना है. एन इफेक्टिव नोटिस यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग. कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस. तो जहाँ पे भी जिस भी ऑफिस के लोग या जिस भी इंस्टीट्यूशन के लोगों को आपको इन्फॉर्म करना है उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम होना चाहिए सबसे पहले. फिर डेट ऑफ पुटिंग ऑफ द नोटिस. किस डेट को ये नोटिस लिखा जा रहा है. द वर्ड नोटिस, नोटिस वर्ड जरूर होना चाहिए. अ सूटेबल डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और हेडिंग. एक अच्छा हेडिंग होना चाहिए. द पर्पज फॉर विच इट हैज़ बिन रिटन. किस लिए वो नोटिस लिखा जा रहा है, जैसे कि मीटिंग या अपील या फिर किसी और चीज़ के लिए. डिटेल्स ऑफ द स्केड्यूल. क्या क्या डिटेल्स हैं स्केड्यूल के, जैसे कि टाइम बताना है आपको, डेट, वेन्यू, प्रोग्राम, ड्यूरेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है. इन केस द नोटिस इज अबाउट एन इवेंट, अगर वो नोटिस किसी इवेंट के बारे में हो. सिग्नेचर, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस. उस पर्सन का नेम, सिग्नेचर और डिजिग्नेशन होना चाहिए जो वो नोटिस लिख रहा है. स्टाइल एंड टोन ऑफ द लैंग्वेज. जो भी स्टाइल या फिर टोन है लैंग्वेज है उस नोटिस का, इट शुड बी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल. तीनों तरीके के हो सकते हैं. अ नोटिस इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग बट केयर इज टेकन टू अवॉइड द स्टिफ डन. तो जो नोटिस है वो फॉर्मल पीस है राइटिंग का, बट वी शुड राइट इट केयरफुली. नाउ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस विथ मार्किंग स्कीम. यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है नोटिस का, क्या मार्किंग स्कीम फॉलो करनी है. निधि इज द सेक्रेटरी ऑफ द टैगोर लाइब्रेरी क्लब ऑफ सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल. तो निधि जो है ये नोटिस लिख रही है एंड वो कौन है, वो सेक्रेटरी है कहाँ की, टैगोर लाइब्रेरी क्लब सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल जो कि दिल्ली में है. तो यहाँ पे सबसे पहले सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली लिखा जाएगा. द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्विज कॉन्टेस्ट. ये जो क्लब है ये क्विज कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to 7th. And in the school auditorium, write the notice informing the students to participate in the contest. तो हमें एक नोटिस ड्राफ्ट करना है जहाँ पे ये जो प्रोग्राम है 5th to 7th के बच्चों के लिए है और स्कूल ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज हो रहा है. सो ये यू कैन सी द फॉर्मेट. सबसे पहले जो है स्कूल का नाम है जहाँ के बच्चों को इन्फॉर्म करना है. सो ये यू कैन सी द फुल नेम. नेक्स्ट कम्स द डेट. डेट इधर आएगा, फिर नोटिस वर्ड आना चाहिए, फिर हेडिंग आनी चाहिए. तो हेडिंग है क्विज कॉन्टेस्ट. अब नाउ वी हैव स्टार्टेड आर नोटिस. क्विज कॉन्टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास दिस एंड दिस ऑन दिस डेट इन द स्कूल ऑडिटोरियम. जो प्लेस है वो लिखना है, जगह लिखनी है, टाइम लिखना है. टाइमिंग्स आर रिटन हियर. एंट्री इज फ्री. एंट्री आपको बतानी की कैसी है. वन क्लास कैन सेंड ओनली वन टीम. एक क्लास से सिर्फ एक ही टीम आ सकती है. सेंड योर एंट्रीज लेटेस्ट बाई 15th February. अपनी एंट्रीज जो भी है उन्हें आप एक डेट देनी है, उस डेट तक आपको सबमिट करनी है. नाउ नेम, सिग्नेचर, ऑल दीज अट्रैक्टिव प्राइजेस विल बी गिवन. आपने ये भी बता दी कि आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको प्राइजेस मिलेंगे. नाउ यू हैव रिटन योर नेम एंड द डेजिग्नेशन. Now here some more examples of notices given. You are Neha Nikhil of Ramjas Public School Jaipur. Write a notice to be put up on the school notice board regarding the upcoming annual day celebration in your school. तो आप जो है नेहा हैं या फिर निखिल हैं. अगर girls लिख रही हैं तो नेहा लिखेंगे, boys निखिल लिखेंगे अपना नाम. And you have to write down the notice. तो आप यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले school का नाम, then date, the notice heading, फिर क्या purpose है उस notice का, and then we have started the notice. कौन सी classes के लिए है, कब होगा,
डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है, किस जगह पे होगा वो लिखना है आपको, और कब तक नेम देना है वो लिखना है आपको, एंड किस यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि चीफ गेस्ट कौन है। पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर, आपने एक एडवाइस दे दिया है बच्चों को, देन यू हैव रिटन योर नेम और अपने सिग्नेचर वगैरह आपके डिजिग्नेशन लिख दिए। सिमिलरली देयर इज अनदर नोटिस, यू हैव टू रीड दिस, यू आर आदिति और आदित्य ऑफ डी ए वी मॉडर्न स्कूल। सो रीड दिस नोटिस, देखिए किस बारे में है ये नोटिस, एंड आफ्टर रीडिंग इट यू हैव टू कम्प्लीट दीज क्वेश्चन दैट आर गिवन यूर। द फर्स्ट वन इज योर स्कूल इज गोइंग टू ऑन अ 4-day टूर टू नैनीताल, आपका स्कूल जो है 4-day टूर पर जा रहा है नैनीताल, एंड ड्यूरिंग द टूर यू विल ऑल्सो विजिट द एडजेसेंट प्लेसेस सच एज रानीखेत। तो आप टूर पर जा रहे हो, इन सारी जगहों पर घूमने वाले हो, आपको एक नोटिस लिखना है गिविंग द नेसेसरी डिटेल्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो नोटिस बहुत बड़ा नहीं होता है, 50 वर्ड्स तक में हमें इसे कंपाइल करना है। सो आप बच्चों को इन्फॉर्म करो कि इन इन जगहों पर जाएंगे, काइंडली सबमिट द मनी एंड द डिफरेंट थिंग्स। एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन इज बिंग हेल्ड इन सेंट पॉल्स स्कूल, एक इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ है सेंट पॉल स्कूल में। द टॉपिक ऑफ द कॉम्पिटिशन इज इंग्लिश शुड बी आर नेशनल लैंग्वेज। सो ये जो कॉम्पिटिशन है इसका टॉपिक भी दिया हुआ है। एज अ जूनियर हेड बॉय ऑफ द स्कूल राइट द नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। तो जूनियर हेड बॉय हैं आप, तो आपको जो है नेसेसरी डिटेल्स जो है देनी है बच्चों को, एंड कब है ये कॉम्पिटिशन, कहाँ पे होगा, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू राइट। थर्ड वन इज अ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इज बींग ऑर्गेनाइज इन योर सोसाइटी इन योर स्कूल बाई द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब। आपके स्कूल में जो आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब है वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, आपको स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है। फोर्थ वन इज द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन हैज आस्क्ड यू टू राइट अ नोटिस फॉर द कलेक्शन ऑफ मटीरियल्स। तो आपके जो एडिटर हैं स्कूल मैगजीन के, उन्होंने आपसे बोला है कि आपको एक नोटिस लिखना है ताकि बच्चे जो है मटीरियल्स दे सके फॉर द प्रिंटिंग ऑफ स्कूल मैगजीन। एज अ स्टूडेंट एडिटर राइट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स स्टोरीज पोएम्स आर्टिकल जोक्स एक्सेट्रा फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो आपको बच्चों से बोलना है कि दे हैव टू सबमिट द रिक्वायर्ड मटीरियल्स फॉर टू बी प्रिंटेड इन द मैगजीन। सो ये जो क्वेश्चंस दिए गए चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट ऑन द नोटिस बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड नोटिस राइटिंग। आई होप you understood it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related and thanks for watching.